लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में है। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला मोदी का मित्र अडानी खुलेआम घूम रहा है। जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। देखिए इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जो महिला पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ लिया, यानी कोई भी व्यक्ति आगे ना बढ़ने पाए। और आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ तकरीबन 70 से 80 मीटर की दूरी पर है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आरएएफ की टीम जो लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स टीम लगाई गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जम करके धक्का मुक्की हो रही है। दिल्ली पुलिस तमाम जवान है, आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगातार वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है, सुरक्षा दृष्टि से सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है, देखिए ये आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हैं। कुलदीप कुमार को किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अपने कंधे पर उठा लिए, लेकिन जो आरएएफ की टीम है, ये लोग नहीं चाहते कि कुलदीप कुमार आगे बढ़ने पाए। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है, लगातार धक्का दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से यूज किया जा रहा है और इसके साथ ही लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। गुस्सा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था कि गौतम अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें देखा गया कि कोई भी कार्रवाई गौतम अडानी के खिलाफ नहीं की गई, गौतम अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई द्वारा। जब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता सड़कों पर आए और बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और हर बार की तरह इस बार यहीं पर रोक दिया गया है। आप तस्वीरों को देखते रहिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो लेकिन वहीं बीजेपी जहां संविधान की बात करती है, वैसे तो कानून में भी संविधान में भी प्रावधान है कि कानून का आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन नहीं जहाँ की जाने दिया जा रहा है। उनके सरकार की गुंडागर्दी का चरम है और इसका अंत इस देश की जनता करेगी। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में है। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला मोदी का मित्र अडानी खुलेआम घूम रहा है, तो इस बात को देश के लोग देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। जो आप लोग अगर आगे जा रहे हैं तो आपको रोका जा रहा, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आज वो हम लोग को आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो उनको मालूम है कि आज वो लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मनीष जी के बिल्कुल साफ है और देखना वो जल्दी बाहर आएंगे। लेकिन सीबीआई तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार ऐसा है। सीबीआई मोदी के उसमें जो वो कहेंगे वही उनको करना है, क्योंकि चक्कर क्या है, एमटीडी में तो हमारी गवर्नमेंट आई है, मेयर बना है हमारा, तो इसलिए उन लोगों को कुछ ना कुछ करना है। वो लोग क्या कर रहे हैं, आरोपों में घेर के मनीष जी को फंसाने की पूरी इनकी साजिश है। लेकिन देश संविधान चलेगा, चल रहा है, तो जाहिर सी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घर में रहिए, जांच हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी सामने। नहीं तो ये लोग अभी जानबूझ के कर रहे हैं ना, सीबीआई के पास मनीष जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, ये जानबूझ के हवा फैलाई जा रही है कि बहुत सारे सबूत है, कोई भी नहीं है उनके पास सबूत। सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सीबीआई बेवजह डिप्टी सीएम सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है। कई दौर की पूछताछ पहले भी हो चुकी है और कल भी पूछताछ हुई। सुबह 11 बजे के आसपास जब सिसोदिया राजघाट गए थे लाल लाठी के साथ में, वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और उसके बाद सीबीआई दफ्तर आए, पूछताछ हुई। 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई और तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के बीच एक खबर आती है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें तमाम अधिकारी भी शामिल थे। सिसोदिया से सवाल पूछे जा रहे थे, तमाम गवाही के सबूत दिखाए जा रहे थे और सिसोदिया
तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया जो है उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे और इसीलिए सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, विरोध दर्ज करवा रही है, सरकार के कानून तक आवाज़ पहुंचाई। देखिए सिसोदिया पूरी तरीके से बेगुनाह है, सिसोदिया ने कोई गुनाह नहीं किया है, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप पूरी तरीके से फर्जी हैं, सिसोदिया को छोड़ दिया जाए। कल आपने देखा किस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर पर धारा 144 लगा दिया गया था और तकरीबन 50 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को डिटेन किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह, गोपाल राय, इसके अलावा रोहित महुलिया, तमाम विधायक भी शामिल थे। उन लोगों को 24 घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया और आज सुबह उन लोगों को छोड़ दिया गया, या कहते हुए कि आप लोग जाइए, आप लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया था और इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग कोनों से विधायक भी आए हुए हैं और ये लोग लगातार आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपने जो आरोप लगाया आरोप फर्जी है। हालांकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने सिसोदिया को क्लीन चिट दे दिया है। सिसोदिया के घर जो है कल केजरीवाल भी गए थे, वहाँ पर उनकी माँ से मिले, वहाँ पर उनकी वाइफ से मिले और उनकी वाइफ जो है उनकी तबीयत खराब है, लेकिन केजरीवाल ने कहा देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, न्याय की जीत होकर के रहेगी और जो आरोप लगाया गया है पूरी तरीके से फर्जी है और पूरी तरीके से राजनीतिक आरोप है। क्योंकि जब आपको याद होगा जब पिछली बार मनीष सिसोदिया से सीबीआई की टीम ने पूछताछ किया था तो मनीष सिसोदिया ने साफ कहा था कि सीबीआई के ऑफिसर्स ने कहा कि आप बीजेपी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप केजरीवाल का साथ छोड़ दीजिए। लेकिन सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हम जो है कि बीजेपी में नहीं आएंगे, हम आम आदमी पार्टी में रहेंगे क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु हैं केजरीवाल, जिनसे हमने राजनीति सीखी है और हम राजनीति रहेंगे, आम आदमी पार्टी रहेंगे और दिल्ली के बच्चों का भविष्य संवारने सुधारने का काम आम आदमी पार्टी में रह करके किया जा सकता है। देखिए दूसरी तरफ जो है बैरिकेड के उस पार तो पुलिस है ही, लेकिन बैरिकेड के इस पार भी आरएफ टीम है, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं हैं, विधायक हैं, सर आगे नहीं जाने दे रहे हैं आपको। लोकतंत्र की हत्या है, आज काला दिन है देश में, जिस तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बिना सबूत तरस किया गया, दिल्ली की जनता सब देख रही है, देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है साहब। लेकिन अगर आरोप गलत है, सिर्फ आरोप है, जांच होने दीजिए, सड़कों पर क्यों आ गए आप? मोदी सरकार बिल्कुल देश के बिल्कुल जाति करिए, लोकतंत्र तानाशाही से अपना दबोच रही है, सारे नेताओं को जेल में डाल रही है, तो सड़कों पे ना है तो कहाँ है? सड़कों पे तो आवाज उठाएंगे। अगला नंबर केजरीवाल का है, देखो ये तो किसी को भी विपक्ष में जो आवाज उठाएगा, जो बढ़ेगा उसका नंबर है। तो मोदी जी देश में अदानी जी की नौकरी करते हैं, वो किसी का भी नंबर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर बैठ गए हैं और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है लगातार आंदोलन कर रही है और यही कह रही है कि सिसोदिया को जो है छोड़ दिया जाए, सिसोदिया बेगुनाह है। अब देखना ही होगा कि आंदोलन कब तक चलेगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, धक्का मुक्की तस्वीरें हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, देखिए किस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को नीचे गिरा दिया गया और यहाँ पर देखिए पुलिस जो हैं उनके हाथों में बेद भी हैं, डंडे भी हैं, ये डंडे देख लीजिए और देखिए किस तरीके से आरएएफ के जवान हैं ये लोग आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं, ये जो महिलाएं हैं और जो महिला कार्यकर्ता थी उन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। देख लीजिए किस तरीके से महिलाएं अपने जिद पर टिक गई हैं, अड़ गई हैं और देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया था, अर्धसैनिक बल को भी लाया गया था कि कोई अनहोनी ना होने। उठिए, 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 उठि
महिला है बेहोश हो गई है यहाँ पर। जी 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 हाँ हाँ देखिए कह रहे बेहोश नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर महिला बेहोश हो गई और उसे ले जाया जा रहा है। अब आप देखिए ये आंदोलन था, फिलहाल जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, तमाम कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के थे वे लोग यहाँ पर गिर गए थे। आंदोलन जो है फिलहाल लगातार जारी है। कैमरा पर्सन आशिक साथ में नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, आम आदमी पार्टी कार्यालय दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।